नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है, जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके स्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है। आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार है वो ओपनली सबके सामने रखते हैं। और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सजा है। आप तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग, ये लोग सूडो लिबरल हैं और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं एक दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के खिलाफ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क, वितर्क, समीक्षा या विचार, जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं, खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ है? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन तीन चार लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं? मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तो तीन चार लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई धारणा ही है। तो उस गिल्ड के चलते हुए इन लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे? तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन इस देश के जो युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने इन लोगों का बहिष्कार किया है, और जब मणिकर्णिका फिल्म भी आई थी और मूवी माफिया उसके अगेंस्ट पूरी गैंग अप हो गई थी, तो इन बच्चों ने इतने अच्छे तरह से हर दिन वी स्टैंड विद मणिकर्णिका ट्रेंड किया, उस फिल्म को बहुत सफल बनाया, फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। और इस चीज़ से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर। आप लोगों के लिए जो पाएगा उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।